तो भाई लोग, हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं अपने खेत की ओर और खजाने की खोज में। आपको आगे जाके पता पड़ेगा खजाना क्या है और उसकी पूजा कैसे की जाती है, तो देखना ना भूले सपना सफर। और चल के जाएंगे हम और वहाँ पर हमारा खेत और ये हमारे गांव के, यही तो है मुस्कान का से। चलते हैं अपने खेत में जहाँ से जाना है हमें, और आगे से थोड़ा सा रास्ता बंद है इसलिए हम आगे से गाड़ी रख कर नहीं जा पाएंगे, मतलब पैदल जाना होगा हमें। भैया लोग अभी तैसे जाना पर है और गेल है नहीं अन्य खड़े। जी देखो जी बकरी खेत जी बेबे खेत जी जमीन और दानो जो देखो भैया हरा जो है दानो, और यही से अपन दूसरों की फसल बर्बाद नहीं कर सका। सो हमने एक नाव कदम उठाओ और हमारा लिंक जाना पड़ रहा 11 नंबर बस से। एक दो वन टू थ्री ये सब कर करके मेरे तरह एक सुनसान जगह पर एक घर भी बनू है। अगला वीडियो हमारे वही पे बने हैं एक भूतिया बंगला, और उनका इंतजार जरूर करियो। पहले अबे जो बना ली चलो खजाना खोद भी चले, थक गए जैसे 1.5 किलोमीटर पड़ जाते हैं जहाँ से गाड़ी धरी है। समय हो रहा है 11:12, अब देखते हैं इसके आगे बहुत धूप है, प्यास भी लग गया है, पानी पीते की व्यवस्था नहीं, भूतिया महल है, अब चलिए चलते हैं पानी मिलता है कि नहीं, और लगता है ताला वाला डला हुआ है। चलो ये घर में चले पानी की व्यवस्था पूछ अपन, पानी मिल रहा हो कि नहीं। जो तो बंद पड़ हुआ क्या सालों से बंद है जो देखे मैं तो नाव नाव से लग रहा हूँ। चलो चले हेलो कोई है एनी वन देयर, पानी मिलेगा भाई साहब? चलो यहाँ तो कोई नहीं, देखते आगे पानी मिलता है कि नहीं, बहुत प्यास लगती हुई। चलिए चलते हैं। ये देखिए जगह, ये देखो ये पेड़ है जमाने का, ये दूसरे को खेत में जाना पड़ रहा है होने से हम लोग को बहुत संभल के चलना पड़ता है। और एक भी दाना किसी का चला गया तो एक दाने की कीमत आप लोगों को मालूम नहीं होती, मैं बताता हूँ एक दाने की कीमत। एक दाने में एक पेड़ में 35 दाने के 35 पेड़, और आगे आप हिसाब लगा सकते हैं, मतलब जानते हैं तो इतने तो आप समझदार हो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हमें चलना होगा भाई लोग, हमें वहाँ तक जाना है। मैं बताता हूँ वो जो दूर वो वहाँ पर वो दिख रही है वो नीम के जैसा पेड़ कुछ, वो वहाँ पर वो कहाँ पर मिट्टी जैसी रखी है कुछ, हमें वहाँ तक जाना होगा। फिलहाल के लिए हम चल रहे हैं और देखते रहिए वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों बड़ी मेहनत और कष्ट के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खजाने के स्थान पर। ये देखिए यहाँ पर पेड़ लगा है और यहाँ थोड़ी आगे एक कुआ है जो कि बहुत ही कम शायद भरा है, टेढ़ा मेढ़ा सा हमारे पुराने जमाने कम से कम लोग कहते हैं ये 60 साल पुराना कुआ है। आपको लगता है 60 साल पुराना कुआ हो सकता है? ये देखिए यहाँ दिल बना है, अच्छे से देखिए गौर से, ये दिल का शेप में जो कुआ बनाया गया है ये बहुत ही रोमांचक, दो प्रेमियों ने अपने प्यार के लिए बनाया था जो कि बहुत रोमांचक कुआ है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं पर अभी कोई नहीं आ रहा है। पर अभी हम लोग आए खजाने के लिए तो यहाँ रोक लगा, ये अलग डिजाइन का कुआ आपको शायद ही कहीं देखने को मिले और हम लोग यहीं पर आए हैं। हम लोगों का कुआ है ये, प्रेमी लोगों का है। आइए चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं, क्या करने हैं थोड़ा, चलिए चलते हैं अभी हम पूजा करते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पूजा करने के 2 दिन बाद हमें मालूम पड़ेगा सब कुछ। चलो निकालो अपना सामान, निकालो पूजा करने का ये सामग्री। पूजा सामग्री प्रस्तुत होती हुई देख सकते हैं, ये बहुत सारा सामान लगता है, एक नारियल है और क्या है, ये अगरबत्ती, अगरबत्ती और ओहो ये भाई पूरी अथवा इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग ये अठवाई कुछ अलग प्रकार से बनाई गई है, ये नीम के तेल में तली हुई पूरी है। क्या आपने कभी ऐसी कोई पूरी खाई है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए भाई, इसको तो आप जानते होंगे, आप इसको तो जानते होंगे भाई लोग, इसके भी दीवाने बहुत हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं पूजा करने को, ये नीम के तेल में बनाई हुई पूरी और इसका आटा किसका है आप सुनकर चौंक जाएंगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे, आप घर पर ट्राई करेंगे और इससे आपको भी कोई बात नहीं। अगर देखिए यहाँ पर अच्छी ठंडी तो नहीं पर हवा बहुत तेज चल रही है और इसके कारण हम लोग अगरबत्ती नहीं जला पा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर आप लोगों को मालूम हो कि हवा चल रही पर अगरबत्ती क्यों नहीं, माचिस की कार क्यों नहीं जलती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखते हैं बड़ी मुश्किल से अभी भी नहीं जल रही है और हमारे भाई परेशान होकर बैठ गए हैं, पसीना आ गया रे। परेशान होते हैं कि नहीं भगवान, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती जली, जलने के बाद अगरबत्ती जलने के बाद अभी लगने जा रहा है भोग, ए भगवान मिल जाना खजाना। और हमने आप लोगों को पूरी पूजा नहीं बताई है, आप लोग हम आप समझ सकते हैं क्यों, ये देखिए भैया ये तो आप जानते ही होंगे, ये अंडा फूटा जा रहा है जिससे हम लोगों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ये अंडा ही है।
भाइयों और सज्जनों, ऐसी पूजा ना ऐसी पूजा अपने घर पर ना करें। हम लोग ये सलाह से कर रहे हैं पंडित जी की, और इतना इन्होंने अपने लिए बचा लिया है। ये अंडे के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, और सिर्फ थोड़ा सा ही। वाह संजय दत्त, आह आह संजय दत्त, संजय दत्त की तरह। और बेइज्जती करवा ली, करवा ली बेइज्जती। जरा शकल दिखाइए, जरा शकल दिखाइए, और आ गए वापस अपने हथियार पर। और आगे की पूजा, और अभी आप लोगों को रख रहा होगा थोड़ी सी ये पूजा, लेकिन अभी पूजा बाकी है, एक जगह और जाने का है। और ये पूजा अगर आप लोग घर पे, अगर आप लोगों कहीं सपने में अपने आते हैं कि यहाँ पर कुछ है, तो ये पूजा वहाँ पर जाके करें, आप लोगों को जरूर मिलेगा सोना। सोना भाई सोना, बाबू नहीं सोना मिलेगा, अब तो पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, पैसा ही पैसा। और ये कील चढ़ा रहे हैं, कील आप लोगों के, कील आप लोगों के यहाँ कील को क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारा पहला ब्लॉग वीडियो है, कृपया देखें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो भैया एक जगह की तो पूजा कंप्लीट, अब चलते हैं दूसरी जगह, सामग्री ले ली जाए। माचिस कहाँ है, माचिस रखो भैया, चलिए पढ़ते हैं, बोलो नहीं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय। चलो पढ़ते हैं, आगे मिलते हैं कुछ समय के बाद। और बड़ी मुश्किल से और थकान से भरपूर हम लोग पहुंच चुके हैं। बताया था हमने आपको वहां से, ये मिट्टी बताई थी, ये वो मिट्टी है जो कि एक नया कुआ है, इसमें पानी के लिए जो खुदाई हुई थी। अब आगे जाके और ये नए कुएं की मिट्टी है, देख सकते हैं दीवार, और देखिए मैं इस कुआ का पानी बताता हूँ। चलिए जिसने कुआ नहीं देखा है आज उसको दिखा देते हैं। ये ओ ओ ओ, 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 ओ इतनी भी क्या जल्दी है, रुको जरा सब्र पूरा करो। ये देखिए इतना माल पानी निकलने के बाद अब यहाँ पूजा करने को, क्योंकि पानी निकलने के उपलक्ष्य में ये नारियल फोड़े जा रहे हैं। आगे जाके आपको बताएंगे किस देवता को फोड़ा है, कैसे मेरी मनोकामना पूरी की है, करें भगवान पर भरोसा रखें। आगे जाके देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आगे भी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बड़ी ही सावधानी से, बहुत जरूरी है क्योंकि खेत की फसल बिक गई है, खेत की फसल के लिए ये पूजा जरूरी है। और यही तो और हम लोग छोटे छोटे कदमों से चलते चलते ये नदी की छोटी सी लहर के पास पहुंच गए हैं। ये जैसे और ये मोगली की झील की तरह दिखती है, देखने में लगती है, मुझे लगता है मोगली की झील की शूटिंग यहीं से की गई थी। अब देखते हैं यहाँ से जाने का, थोड़ा देखते जाने के लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और पहले हमारे भाई जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कैसा निकलना पड़ता है। चलिए थोड़ा रिस्क है लेकिन जाना जरूरी है, जाने के बाद जाने के बाद इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। देखते हैं और मैं अभी भी भाई हूँ, तो भाइयों मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ और ओ सच में बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, और बच गया मैं बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद। तो मुझे भाई का ये पॉलीथिन लेके जाना, मुझे एक चीज़ की याद आ जाती है, जब मोदी जी का वो डायलॉग, जब मोदी जी बोलते हैं फकीर आदमी हैं चल पड़ेंगे झोला लेके, वो वाला डायलॉग याद आ। ओ भाई भाई देखो ये क्या है, क्या है, क्या है, और ये नीचे की ओर 300 पाउंड बीड़ी का कट्टा, बीड़ी का कट्टा मिला है जो कि बहुत ही अभी 300 पाउंड बीड़ी का कट्टा मिला है भाई लोग हम लोगों को यहाँ पर। यहाँ पता कौन सा इंसान आता है इसको पीने के लिए, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है, सुनसान जगह है, यहाँ पर कौन आता होगा इसको पीने के लिए। देखो वहाँ जंगली जंगल दिख रहा है, बच गए। दूसरे स्थान पर देख सकते हो, बड़ी मुश्किलों के बाद आते हुए, बड़ी मुश्किल और थकावट के बाद आते हुए हमें आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक पूजा और होनी है।
देखिए भाई लोग, यहाँ तेरे की पूजा होगी। अब पत्थर ले आओ यहाँ फूलने का। ये तो नहीं ले सही थी। और ये अगरबत्ती हर बार क्यों नाटक बताती है? अरे यार ऐसा नहीं है अब्बा, क्या बात, हम लोगों को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है भगवान। तो भाई लोग, बड़ी मुश्किल के बाद अगरबत्ती जली और की बात, अब दूसरे स्थान पर हम लोगों ने पूरा प्रारंभ कर दिया जो थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे सोने के बारे में, सोना कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखें। और यहाँ पर हमारे संजय दत्त साहब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ओ भाई ओ, ये काय का पेड़ है। आप लोग यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप लोगों को ऐसी ही नई नई चीज़ें और पुरानी पुरानी चीज़ें याद दिलाते रहेंगे, बस आपको बताना है। और हम लोग, आप लोगों को शायद याद हो, पहले वहाँ पर खड़े थे, वो मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है वहाँ पर, उतने दूर से हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये थोड़ा सा धुंधला है दिखाई दे रहा है वो, ये वहाँ से यहाँ तक आने तक का सफ़र आप लोग खुद सोच सकते हैं कितने दूर से आए हम लोग। ये देख टाइगर पक्का है जो कि बड़ी खराब के बाद क्ला है। ये पूजा संपन्न होने के साथ साथ ही हम लोग अब दूसरे पड़ाव के लिए चलते हैं। चलिए चलते हैं, अब हमें वापस जाना होगा। अब वापस चलते हैं थोड़ा आगे, अब हमें वापस जाना होगा और वही पड़ाव हमें वापस से लेना होगा। चलिए चलते हैं अपनी बाइक की ओर। और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डर है कि किसी ने बाइक का पेट्रोल ना निकाल लिया हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा चल रहा है। हम लोग आए हैं एक खेत में रख के, अगर वो आएगा तो जरूर वो पेट्रोल भी निकालेगा, जाके देखना पड़ेगा। भाई हम लोग उस खाई को, उस छोटे से नाले को वापस पार कर चुके हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं उसी वो मिट्टी की तरह कुएं के पास। और थोड़ी दूर पर दिख रहा है एक जामुन का पेड़, वो रहा, मैं आप लोगों को एक जामुन का पेड़ दिखाऊंगा जो कि वहाँ पर है। ये रहा जामुन खाएंगे और थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद चलेंगे हम लोग फिर से अपने सफ़र पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे चैनल का नाम है अपना सफ़र। यही तो जिंदगी का सफ़र है भाई लोग, चलो देखते हैं जामुन बचे हैं कि नहीं, कि बहुत समय हो गया पानी गिरते। चलिए चलते हैं इस जामुन की तरफ और खजाना कहाँ है और कैसे मिलेगा। यहाँ तो जामुन थोड़ा है, जामुन तो नहीं पर गुठली बहुत सारी मिलेगी आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए गुठली जामुन की पर जामुन तो नहीं मिली। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना सफर जारी रखेंगे। जामुन के सफर के लिए हमें एक भी जामुन नहीं मिली और बड़ी ही निराशा के साथ बढ़ते हुए हमारे इस वीडियो के डायरेक्टर हैं विजय पटेल, बड़ी ही निराशा की ओर साथ बढ़ते हुए। और जिस कल पर 12 बज रहे हैं, अरे भाई लोग बहुत थक गए हैं, ये देखिए बहुत चल लिया आज। और गर्मी में हम लोग के पैर भी दर्द हो रहे हैं, गर्मी हो रहा है। दिन के 12:40 और बहुत कड़ाके की धूप निकली है। अब देखते हैं आगे जाके पेड़ दिख रहा है वो शायद कैथा का है। चलिए कैथे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग को कैथा ही देखते हैं, अगर कैथा मिल जाएगा तो घर जाके चटनी बना के खाएंगे और थोड़ा सा यहाँ भी टेस्ट करेंगे। और थोड़ी थकान मीठा नहीं तो खट्टा ही सही, पर कुछ तो मिलेगा। और ये दूर से कितना अच्छा नज़ारा लगता है देखने में। आप लोग कभी आइए, अगर आएंगे तो हमारे घर जरूर आइए, हम अपनी लोकेशन हैशटैग में डाल देंगे, हमारी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कृपया कर बताएं, ये हमारी फसल है, ये हमारी फसल उड़दा बोलती है मैंने उड़द। और ये देखिए कितने अच्छे पौधे लगते हैं। चलिए कैथा मिल गया है और थकान के लिए हमें रेस्ट के लिए एक जगह भी देखते हुए कोई सारे थके, पानी भी नहीं मिल रहा है, हम लोग पानी भी लेकर आना भूल गए, प्यास से हम लोग का मुंह सूख रहा है। क्या देखो भाई ये कैथा मिला है, देखो भाई ये लोग कैथा है, इसको कैथा बोलते हैं, कैथा ले लो कैथा। ये देखो एक कैथा मिलता हुआ, ये सही कैथा है, बस ये आखिर एक कैथा मिलता हुआ हम लोग के लिए, एक नहीं दो नहीं तीन पीछे मिलते हुए हम लोग के लिए, तीन नहीं चार कैथे। ये देखिए भाई लोग हम लोग कुछ चार कैथे। ये देखिए अब जाके यहाँ से
बिंदा चटनी खाएंगे। चटनी कई थे कि चटनी खाएंगे रे बाबा। कैथा कैथा क्या है? अब इसको पॉलिथीन में रखते हुए और आगे बढ़ते हुए, आगे का सफर अभी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक कुआं और है, हम आप लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, उसे भी देखने को। आगे हमारे देवता बैठे हैं जिसको बोलते हैं ठाकुर बाबा, नीचे के पास है, हाँ कुएं में पानी निकला है, अभी उनको फल चढ़ाने के लिए हम लोग आए थे, अभी उनकी भी पूजा करनी होगी हमें और फिर ऐसे घूम कर जाएंगे। ऐसे 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 और सफर जारी है, आप देख सकते हैं हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, और देखते रहिए अपना सफर अपना सफर अपना सफर। लगभग कुएं के पास हम लोग पहुँच गए और ये वही नाला है जिसे पार कर हम पड़ेगा आपको खजाने का राज, और वीडियो लास्ट तक देखिए, जरूर बताएंगे खजाने का पूरा राज, खजाने का क्या राज है, पूजा करने का क्या राज है। कृपया बने रहें लास्ट तक अपना सफर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए भाई, एक दूसरा कुआं भी आ चुका है जो रास्ते में मिला हम लोग पे पानी के लिए, लेकिन पानी की यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं, ना मोटर है ना पंप है। अब आगे ही देखना पड़ेगा कोई कुआं मिलता है उतरने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। देखते हैं आगे जाके, प्यासों के मारे गला सूख रहा है, अब बोलने के लिए भी थोड़ा गला है सूखने लगा है, और पैर दर्द की मारे थकान बहुत होती हुई। अब देखते हैं पसीने में चूर चूर हमारे डायरेक्टर संजय दत्त और बाहुबली 3 के निर्माता, चलते चलते और हम पहुंच चुके हैं बाबा ठाकुर के स्थान पर, ठाकुर बाबा के स्थान पर, जो कि अब यहाँ पर भी पूजा होगी, यहाँ पर भी पूजा होगी। ठाकुर बाबा महाराज, बोलो ठाकुर बाबा महाराज की जय। भाइयों इस बार भी अगरबत्ती आराम से नहीं जलाई जा रही है, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती जलाते हुए हम लोग, अगरबत्ती ने बहुत नखरे दिखाए और हमारे विजय पटेल भी कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं पूजा दिखा रहे हैं पूजा। लो भाई ये प्रसाद है, खाने के लिए खा सकते हो आप लोग, चलो चलिए आज की हमारी पूजा समाप्त, और हम निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए, आखिरी पड़ाव को पूर्ण करते हुए हम लोग जाएंगे घर की ओर। आगे जाके अभी गाड़ी का हाल, पेट्रोल चल रहा है महंगा, और चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोगों को वहाँ जो वो पेड़ दिखाई दे रहा है ये बीच में, ये इस वाले पेड़ की ओर जाना है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, और वहाँ पर रखी हुई है हमारी बाइक, यहाँ से हम आए थे, मिलते हैं बाइक के यहाँ पर। चलते चलते थक गए हम लोग, बड़ी मुश्किल के बाद वो दिखाई दे रही हमारी गाड़ी, और वो रही हमें वहाँ तक जाना होगा अब, और हम लोग चल रहे हैं जबकि बड़े पेड़ के नीचे जाने का रहते हैं, कहीं गाड़ी का पेट्रोल कर रही है, हम लोग जा रहे हैं पास जाकर मिलेंगे, हम लोग जाएंगे अपने घर पर, फिर हम लोग आपको और अभी बताएंगे हमारा खजाना क्या है। पहुंच गए गाड़ी का, आइए थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे अपने घर की ओर वापस। रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, यही हमारे भाई
अब ये बताएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ अपना खजाना, जिसकी पूजा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की थी। और मेरा खजाना है ये है कि ये देख सकते हैं आप, इतना सारा मेरा ये खजाना है। ये फसल है जो किसानों भाई की फसल खजाने होती है, और इसी के बारे में हम लोग आप लोग को चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और हम लोगों ने इस फसल की ही पूजा की थी, और यही हम किसान भाइयों का है किसान लोग का खजाना, और इसी से संबंधित सभी फसलें ही तो होती हैं खजाना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कोई भी किसान भाई है जो समझता है कि उनका खजाना क्या है, तो कमेंट करके और लाइक करके इस वीडियो को हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। और वीडियो हमारा साथ यहीं तक था, अब हम चलेंगे घर की ओर। चलिए चलते हैं।